हिंदी में टेक इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए आइकन प्रेस करना मत भूलिए। हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं वासु, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु। फिर से मैं एक नए फ़ोन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जानने वाले हैं ऑनर 8X के बारे में। ये फ़ोन आजकल थोड़ा पॉपुलर बन गया है दोस्तों, तो चलो देखते हैं फ़ोन क्यों पॉपुलर बना है, इस फ़ोन का फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है और इसके प्राइस क्या है। तो ये फ़ोन क्यों पॉपुलर बना है आप देखेंगे तो इस फ़ोन में गुड प्रोसेसर दिया गया है, बेटर कैमरा आपको देखने को मिलता है, अच्छी सी बैटरी बैकअप भी इसमें दिया गया है और आप डिज़ाइन देखेंगे तो आई कैची डिज़ाइन इसमें देखने को मिलता है। ये सभी मिला के आपको अंडर बजट में आ रहा है, इसी के वजह से ये फ़ोन आजकल थोड़ा पॉपुलर बन गया है दोस्तों। तो चलो देखते हैं एक एक करके इस फ़ोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के। पहले इस फ़ोन के बिल्ड के बारे में हम देखेंगे तो फ्रंट एंड बैक आपको ग्लास दिया गया है, लेकिन ये ग्लास तो गोरिल्ला ग्लास नहीं है, लेकिन ऑनर ने सोच समझ के एक ड्यूरेबल वाला ग्लास यूज किया है, मैं इसे बोल सकता हूं दोस्तों, क्योंकि लास्ट टाइम ऑनर ने जो लॉन्च किया था ऑनर 9 एंड ऑनर 7C7 ये सभी फोनों में आप फ्रंट एंड बैक ग्लास देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डेलिकेटेड था, नॉर्मल ड्रॉप में टूटने का चांसेस ज्यादा था, लेकिन इस ग्लास में ऐसा जो चांसेस ऑनर ने नहीं लिया है, सोच समझ के अच्छे से ग्लास यूज़ किया है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने YouTube में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस ग्लास पर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट बनाया है, वो आप देख के कंफर्म भी कर सकते हैं ये ग्लास कितना ड्यूरेबल है और कितना आपको प्रोटेक्शन देने वाला है। अभी आगे जाके हम देखेंगे तो दोस्तों इस फ़ोन के बॉडी आप देखेंगे तो आपको एल्यूमिनियम के बॉडी इसमें दिया गया है, इसी की वजह से इस फ़ोन का वेट आप देखेंगे तो 175 ग्राम्स वेट में आपको इस फ़ोन मिल रहा है और इसी की वजह से इस फ़ोन में आपको ये फ़ोन आपको ओवर वेट भी नहीं है, अंडर वेट भी नहीं है, इसी की वजह से आप ये फ़ोन को लंबे समय तक आपके हाथ में आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस फ़ोन में आपको ड्यूल सिम का ट्रे मिल रहा है और एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी इसमें दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक अच्छी बात ये है कि दोनों सिम में आप एक ही साथ में 4G का नेटवर्क का मज़ा भी ले सकते हैं। इस फ़ोन का डिस्प्ले के बारे में आप देखेंगे तो इस फ़ोन में आपको LTPS IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन दिया गया है और 6.5 इंचेस का मैसिव स्क्रीन आपको देखने को इसमें मिल रहा है। ये 6.5 मैसिव इंचेस अच्छा बड़ा स्क्रीन है दोस्तों, क्योंकि 0.5 ऐड हो जाता तो 7 इंचेस का टैबलेट बन जाता, लेकिन ये 6.5 इंचेस का स्क्रीन वाला है इसीलिए मैं इसको फैबलेट भी बुलाना चाहता हूँ। और इसमें और एक अच्छी बात ये है कि आपको नोच डिस्प्ले दिया गया है। नोच तो आजकल का ट्रेंड बना है दोस्तों, जो भी फोन लॉन्च हो रहा है आपको नोच के साथ ही निकल रहा है, तो आपको ट्रेंड के साथ में आप जा सकते हैं, ये भी अच्छी बात है और आपका फोन दिखने में भी अच्छा लगेगा। और इसका जो ग्लास बैक साइड में यूज किया है वो ड्यूअल डिजाइन का यूज किया है दोस्तों, यही एक खासियत है इस फोन में। आप देख सकते हैं जो भी दूसरे फोन लॉन्च होते हैं तो Xiaomi में एग्जांपल मैं Xiaomi फोन का दे देता हूं, आप बैक में देख सकते हैं जो मेटल फिनिश वाला बैक पैनल, वो देख देख के हमको बोर हो गया है दोस्तों, अभी थोड़ा नया चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, तो ये फ़ोन निकला है जो सुपर डिज़ाइन के साथ, इसीलिए आप एक बार देखते ही इसका फ़ैन हो जाते हो, आपको 100% ये पसंद भी आता है दोस्तों। इस फ़ोन के रेजोल्यूशन आप देखेंगे तो 1080x2340 पिक्सल्स में आपको ये फ़ोन मिल रहा है और पिक्सल डेंसिटी आप देखेंगे तो 396 पिक्सल डेंसिटी आपको इसमें दिया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिक्सल डेंसिटी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको ये कमी किधर भी दिखाई नहीं देगा। फ़ोन का डिस्प्ले इतना अच्छा है और ब्राइट है और क्लियर है, आपको पता नहीं लगेगा ये 300 ये 400 के अंडर वाला PPI पिक्सल डेंसिटी है। अभी आगे जाके हम देखेंगे तो इस फ़ोन में आपको मल्टी टच यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन में कॉर्नर में आप देखेंगे तो कॉर्नर गोरिल्ला ग्लास 3 यूज़ किया है, इसी की वजह से आपका फ़ोन को स्क्रैचेस और डैमेजेस से 100% प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है दोस्तों। और हम आगे देखेंगे तो इस फ़ोन के प्लेटफॉर्म के बारे में हम देखेंगे तो इस फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 8.1 लेटेस्ट वर्जन ओरियो आपको बॉक्स के साथ में मिल रहा है और इसके चिपसेट आप देखेंगे तो हाई सिलिकन किरिन 710 का चिपसेट इसमें यूज़ किया गया है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया चिपसेट है। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको इस फ़ोन में रैम मैनेजमेंट हो, बैटरी मैनेजमेंट हो,
हीटिंग इशू हो और मल्टीटास्किंग हो, जो भी हो, ये प्रोसेसर स्मूथ काम करता है। इसको कंपेयर करना चाहिए तो मैं इसको स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर के साथ और चिपसेट के साथ मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वही है इसको नज़दीक में टक्कर देने वाला जो प्रोसेसर। लेकिन जो मैं रेटिंग देना चाहता हूँ अबो स्नैपड्रैगन 660 से अबो इसको रेटिंग मैं देना चाहता हूँ। मैं पर्सनली इस फ़ोन को यूज़ किया हूँ, इस फ़ोन में इतना अच्छा सा रैम मैनेजमेंट है, बैटरी मैनेजमेंट है, मल्टीटास्किंग है, सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। इसीलिए मैं इस फ़ोन का रेटिंग को अबो स्नैपड्रैगन 660 से ऊपर रखना चाहता हूँ। इस फ़ोन में EMUI अब देखेंगे तो 8.2 यूज़ किया गया है। मुझे पर्सनली ये कस्टमाइज्ड UI बहुत पसंद है दोस्तों। इसमें बंडल आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल रहा है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मुझे बहुत पसंद है जियो कस्टमाइजेशन। मैं ASUS Zenfone Max भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है। मुझे स्टॉक एंड्रॉयड तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। अपडेट देते रहेंगे क्या फ़ायदा, अपडेट लेके क्या करेंगे आप, आपके फ़ोन में जो यूज़ करने का मज़ा नहीं है। जो अपडेट आ रहा है नया नया अपडेट, उसका तो फ़ायदा ही नहीं है। जस्ट आप अपडेटेड हो उतना ही है, लेकिन आपके फ़ोन में कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं पर्सनली ये दोनों फ़ोन को यूज़ किया हूँ, लेकिन मुझे स्टॉक एंड्रॉयड बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। मैं इधर इस फ़ोन में जो कस्टमाइजेशन दिया गया है मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है जो कस्टमाइजेशन इसमें जो दिया गया है। एक और एक मैं वीडियो बनाऊंगा जो कस्टमाइजेशन के बारे में, दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन दिए गए हैं, वो आप कैसे इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कौन सा पसंद है, आप स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या कस्टमाइज्ड UI यूज़ कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका पसंद क्या है। मेरा पसंद तो 100% कस्टमाइज्ड UI है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। यह बहुत हैंडी होता है और यूज़र फ्रेंडली भी होता है दोस्तों। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस फ़ोन में जो EMUI यूज़ किया है, 8.2 यूज़ किए हैं, 9 का जो है ना वो बहुत कुछ फ़ोनों में ऑलरेडी अपडेट आउट हो गया है। अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑनर 8X को भी ये अपडेट आना चाहिए। दोस्तों आपको क्या पसंद है, स्टॉक एंड्रॉयड या कस्टमाइज्ड UI, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। तो चलो हम आगे जाके देखते हैं। ऑक्टाकोर का CPU इसमें दिया गया है, तो बेटर गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए है। इसमें G51 का ग्राफिक्स कार्ड भी यूज़ किया है दोस्तों इस फ़ोन के मेमोरी के बारे में आप देखेंगे तो इस फ़ोन में आपको दो वेरिएंट्स मिल रहा है, 4GB और 6GB, दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिलता है। 4GB में आपको 64GB इंटरनल मेमोरी मिला, तो 6GB में आपको 64GB और 128GB का दो वेरिएंट्स देखने को मिलता है दोस्तों। इस फ़ोन में आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी मिल रहा है, इसी की वजह से आप एक्सटर्नल मेमोरी को अप टू 400GB तक एक्सपांड भी इसमें कर सकते हैं दोस्तों। और आगे जाके देखेंगे तो दोस्तों इस फ़ोन का जो कैमरे के बारे में आप देखेंगे तो 20MP प्लस 2MP ड्यूअल कैमरा आपको इसमें देखने को मिल रहा है। 20MP ने सभी काम कर लेता है, जो कैमरा का जो फोटोज कैप्चर करना, वीडियो शूट करना, सभी काम 20MP कर लिया। अब तो 2MP को डेप्थ सेंसर के लिए यूज़ किया गया है दोस्तों। इसमें आपको 1.8 अपर्च के साथ ये मिल रहा है, तो इसका यूज़ क्या हुआ, आप नज़दीक वाले फ़ोटो को विथ डिटेल के साथ आराम से शूट भी कर सकते हैं दोस्तों। जो इसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें मुझे ज़्यादा पसंद आने वाला ऑप्शन ये है कि स्लो मोशन का ऑप्शन दोस्तों। ये बजट में आप बाकी फ़ोनों को कंपेयर किए तो आपको किधर भी आपको नहीं मिलने वाला है स्लो मोशन का ऑप्शन, लेकिन इसमें आपको स्लो का ऑप्शन दिए गया है और ये अच्छी बात है दोस्तों। इसमें AI टेक्नोलॉजी यूज़ किए हैं और ये इमोजीज आपको इसमें देखने को मिलता है, या AR लेंस भी इसमें दिए गए हैं दोस्तों। ये सभी ऑप्शंस आपको आराम से एंजॉय भी कर सकते हैं, फुल HD वीडियोस को आप आराम से शूट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको 4K वीडियोस को शूट करने को नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन दिक्कत नहीं है। आप प्ले स्टोर में जाइए, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आराम से 4K वीडियोस भी आप इसमें शूट कर सकते हैं। मुझे लगता है जो नया अपडेट आने वाला है उस अपडेट में सभी स्मॉल बग्स जो भी है उसको ऑनर ने फिक्स कर देगा, ये सभी ऑप्शन दे देगा। और एक इसमें मिसिंग क्या है, इमेज स्टेबलाइजेशन, ई स्टेबलाइजेशन इसमें मिसिंग है, वो भी ऐड हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो सभी होना चाहिए। वो तो भी और नया अपडेट का जो मज़ा हम
ले सकते हैं। सेल्फी कैमरे के बारे में आप देखेंगे तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इसमें मिल रहा है 2.0 अपर्चर के साथ, और इधर भी आप फुल एचडी वीडियोस को आराम से शूट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इधर आप इसमें भी आपको पोर्ट्रेट मोड मिलने वाला है, वीडियो मोड मिल रहा वाला, बहुत सारे चीज़ें इधर भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन फ्रंट कैमरा में आप सेल्फी कैमरा में आप स्लो मोशन वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बोके इफेक्ट है, जो पोर्ट्रेट मोड है, वो सभी इसमें दिया गया है। फ्रंट एंड बैक दोनों में आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है, लेकिन जो प्राइमरी मेन कैमरा है उसमें आपको स्लो मोशन का वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। और बहुत सारे चीज़ें हैं, आप फ़ोन ख़रीदने के बाद देख लीजिए, बहुत सारे चीज़ें हैं आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इस फ़ोन में आप कॉमन क्या है आप देखेंगे तो इस फ़ोन में वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस देखने को मिल रहा है, और अच्छी बात है इसमें एफएम रेडियो भी इसमें दिया गया है। ये कोई आजकल तो कोई एफएम रेडियो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ऑप्शन होना चाहिए। पता नहीं किसको कब ज़रूरत पड़ेगा, तो आप ज़रूरत पड़ने पर 100% इसको भी यूज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। और इसके जो चार्जर के बारे में आप देखेंगे तो इसमें माइक्रो यूएसबी चार्जर पोर्ट देखने को मिलता है। रिवर्सेबल सी टाइप दिया हो तो अच्छा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो बजट फ़ोन है, ये लोगों ने इसमें कॉम्पनसेट किया है मुझे लग रहा है कि, इसीलिए माइक्रो यूएसबी चार्जर पोर्ट दिया गया। अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, आप जिधर भी जाओ आपका जो चार्जर पोर्ट चार्जर तो मिल जाएगा। सी टाइप तो थोड़ा काम चल रहा है इसीलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसको आपका जो चार्जर लेके ही जाना पड़ता था, लेकिन माइक्रो यूएसबी चार्जर जो भी चार्जर चाहिए तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, जिधर भी जाओ आपको चार्जर मिल जाता है, नो प्रॉब्लम दोस्तों। इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर आप देखेंगे तो रेयर माउंटेड में दिए गए हैं, इजी एक्सेस करने के लिए। फिंगरप्रिंट सेंसर तो बहुत फास्ट है दोस्तों, जस्ट टैप करते ही आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। और एक इसमें अच्छी बात ये है, फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन भी अच्छा है दोस्तों, ये भी ज़्यादा फास्ट है कंपेयरिंग टू फिंगरप्रिंट सेंसर। मुझे तो वो दोनों पसंद है, तो इसीलिए मैं दोनों ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फेस अनलॉकिंग ऑप्शन या फिंगरप्रिंट सेंसर, कौन सा आपको पसंद है या दोनों यूज़ करना चाहते हैं, फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। और इसका जो बैटरी के बारे में हम देखेंगे तो आपको 3750 mAh बैटरी इसमें मिल रहा है दोस्तों, इसमें ज़बरदस्त बैटरी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको वन डे या वन एंड हाफ डे ये फ़ोन आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों इस फ़ोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन और इस फ़ोन के प्राइस के बारे में हम देखेंगे, उससे पहले इसमें आपको 3 कलर मिल रहा है, वो ब्लू, ब्लैक एंड रेड, सो 3 कलर इस फ़ोन में आप देख सकते हैं। लेकिन आपको इंडिया में ब्लैक एंड ब्लू दो ही कलर आपको लॉन्च हुआ है, लेकिन रेड कलर भी वेरी सून आने वाला है, कलर भी आप परचेस कर सकते हैं, वो भी फ़ोन जल्दी से आने वाला है, बाद में आप वो कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इस फ़ोन का जो प्राइस के बारे में आप देखेंगे तो 14,999 में आपको मिल रहा है, मतलब 15,000 में ये फ़ोन आपको मिल रहा है दोस्तों। मैं फ़ोन ख़रीदा था लगभग 13,400 या 13,500 में मुझे आसपास में मिला था, क्योंकि मुझे 10% का डिस्काउंट मिला था, उसमें 1,500 rupees का जो डिस्काउंट इसमें माइनस कर दिया था, तो इसी की वजह से मुझे 13,500 अराउंड मुझे ये फ़ोन मिला था। आप भी कोई ऑफ़र मिला तो 100% ये फ़ोन खरीदिएगा, मैं ये फ़ोन 100% रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि अच्छे से डिज़ाइन, कैमरा, प्रोसेसर सब कुछ आपको मिल रहा है, और अच्छे से बैटरी बैकअप भी इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। ये था दोस्तों ऑनर एटेस का फ्यूचर, स्पेसिफिकेशन और प्राइस। मुझे लगता है ये वीडियो आपको थोड़ा तो हेल्प कर देगा फ़ोन के बारे में जानने के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कुछ ये फ़ोन पर डाउट्स हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे कुछ फीडबैक देना है तो 100% दीजिए फ्रेंड्स, और मैं आई ऑलवेज़ वेलकम फॉर योर फीडबैक, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल।